हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। मैं हूँ रिराज और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज का टॉपिक रहेगा SSC कैंडिडेट के लिए कौन सा पैरामिलिट्री फोर्स या कौन सा अर्धसैनिक बल सबसे सही रहेगा, या BSF, SSB, CRPF, CISF या ITBP। वैसे तो कंपेयर करना बहुत ही गलत बात है, फिर भी अगर मुझे पर्सनली पूछेगा तो मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा SSB। वो मैं क्यों SSB को चॉइस करता हूँ या मेरा पसंद है वो मैं वीडियो का लास्ट में दिखाऊंगा, इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखते रहे। सबसे पहले बात करते हैं BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF अपने आप में एक बेहतरीन फोर्स है। इनका ड्यूटी बॉर्डर रिलेटेड है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर में ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा सरकार देश को जहाँ ज़रूरत है इनसे ड्यूटियाँ लेता है। ये हमेशा अलर्ट ड्यूटी करता है और हमेशा सकुन रहते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा पाकिस्तान जैसी बॉर्डर में ये ड्यूटी करते हैं जहाँ पर हर दिन कुछ नए को सुनने को मिलता है। इनका फैसिलिटी के बारे में बात करें तो 2 महीना यल यानी एनुअल लीव, 15 डेज कैजुअल लीव, इसके अलावा CPC कैंटीन की सुविधा, मेडिकल और जगह के हिसाब से तनख्वाह के साथ इनको अलाउंस मिलता है। अगर आपको बॉर्डर पसंद है, बॉर्डर से लगाव है, बॉर्डर पे ड्यूटी करना अच्छा लगता है, तो आपका फर्स्ट चॉइस BSF हो सकता है। अब बात करता हूँ CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल। इनके कंधे के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है क्योंकि देश का तमाम सिक्योरिटी इनके हाथ पे है। ये देश का हर जगह पे रहता है, कोने कोने पे रहता है। और इनका ट्रेनिंग की बात करें तो इनको 9 महीना बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है और इनका ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि इनको हर वेपन्स, ऐसा कोई वेपन्स नहीं है इनके जो इनको नहीं सिखाए जाए। और कोबरा कमांडो के बारे में आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। जी हाँ, कोबरा कमांडो CRPF से ही बनता है और इन कमांडो के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना ही कम है। इनका ड्यूटी, इनका अगर ट्रेनिंग की बात किया जाए तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन कमांडो में से गिना जाता है। और अगर आप CRPF में नौकरी करते हो तो शायद इंडिया का या हमारे देश का कोई ऐसा जगह रह जाए कि आप ना जा सके। ये हर जगह ड्यूटी करता है। और इनका फैसिलिटी के बारे में बात करें तो ये BSF का जैसा सेम है, इनको 2 महीना EL और 15 दिन CL छुट्टियाँ मिलता है। इसके बाद फैमिली परमिशन और CPC कैंटीन, मेडिकल सुविधा सब कुछ है। और जगह के हिसाब के इनको पे के साथ अलाउंस वगैरह मिलता है। अगर आप हर दिन या नया जगह घूमने का इरादा रखते हो या कोबरा कमांडो बनने का आपको शौक है तो आपका चॉइस CRPF हो सकता है। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF का नाम सुनते ही मेरे मन में एक ख्याल आता है, साफ सुथरा अच्छे डिसिप्लिन वाली फोर्स, क्योंकि इनका काम ही ऐसा होता है कि ये एयरपोर्ट में ड्यूटी करता है, ये बड़े बड़े सिटी में ड्यूटी करता है और इंडस्ट्री में ड्यूटी करता है। इनका फैसिलिटी के बारे में बात करें तो इनको BSF, CRPF से या SSB से 1 महीना कम छुट्टी मिलता है इनको, 1 महीना इनको EL और 15 डेज CL मिलता है। बाकी सुविधा सेम है। और सबसे ज़्यादा अर्धसैनिक बल में फैमिली क्वार्टर के बारे में बात करें तो फैमिली रखने का सुविधा इन्हीं को मिलता है क्योंकि ये सिटी में रहता है। और बाकी सुविधा इनका सेम है। अगर आपको नए नए आदमियों से मिलना, नए नए लोगों से मिलना और नए नए सिटी में घूमना पसंद है तो आपका स्वास्थ्य CISF हो सकता है। ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, ये भी एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इनका ड्यूटी के बारे में बात करें तो ये आम लोगों से बहुत दूर रहता है। इनको ज़्यादातर प्लेन में यानी प्लेन इलाके में इनको दिखाई नहीं देता है, शायद ही आप लोग इनको बहुत ही कम देखा होगा। इनका ड्यूटी ऐसा है, ये चाइना बॉर्डर पे रहता है जहाँ बहुत उसी पहाड़ होता है, बर्फीले इलाके होता है। और इनका ड्यूटी के बारे में बात करें तो इनको बहुत ही हार्ड ड्यूटी है क्योंकि ये 12 महीना बर्फीले इलाके में ड्यूटी करना पड़ता है इनको। इनका ड्यूटीज़ के देखते हुए इनको अच्छे अलाउंसेस वगैरह मिलता है जिसके वजह से इनका अच्छा तनख्वाह बनता है।
अगर आपको बर्फीले जगह पसंद है, पहाड़ पसंद है और अच्छे तनखे का उम्मीद लगा के बैठे हो तो आपका चॉइस ITBP हो सकता है। बात करते हैं SSB यानी सशस्त्र सीमा बल, जहां मैं 15 साल से नौकरी कर रहा हूं और SSB के बारे में मुझे गहराई तक पता है। SSB का ड्यूटी इंडो नेपाल और भूटान बॉर्डर पे है, ये भी एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इसके अलावा सरकार जहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से इनसे ड्यूटी लिया जाता है। इनका ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग इनको 9 महीना बेसिक ट्रेनिंग करना पड़ता है, इसके बाद 1 महीना हर जवान को एडवांस ट्रेनिंग यानी कमांडो ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके अलावा इनका बारे में बात करें तो ये एक यंग फोर्स माना जाता है, क्योंकि इसमें 40 यंग जनरेशन भर्ती होकर आया है। 2000 साल के बाद ये ज़रा डेवलप होना शुरू किया, इसमें ज़्यादा भर्तियाँ निकलना शुरू किया। तो प्रमोशन की बात करें तो SSB में बहुत फास्ट प्रमोशन होता है, क्योंकि ये यंग फोर्स है, ये नया फोर्स है। बाकी यहाँ पे SSB में बहुत अच्छे अफसर्स हैं, जहाँ जवान को बहुत अच्छे कवरेज करते हैं, अच्छा तालमेल है SSB के अंदर। तो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप SSB को कितना लाइक करते हो। अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए तो आप SSB को क्यों लाइक करते हो सबसे ज़्यादा, तो मैं एक ही बात कहूँगा, अपना घर अपना होता है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर किसी भी समस्या है भर्ती रिलेटेड और फिजिकल के रिलेटेड तो मुझे पूछ सकते हो, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय अहम, धन्यवाद।